पेश नज़र जो लोग जानवर लाते हैं हैदराबाद को कुर्बानी के लिए, पुलिस तेलंगाना पुलिस और सोशल और एनिमल हस्बेंड्री और ये गौरक्षा समिति बीजेपी आरएसएस के कारकुन जो है इनको परेशान किया जाता है, मुख्तलिफ कानून लगाकर इनको परेशान किया जाता है और यह सिलसिला मुसलसिल 6 साल से किया जा रहा है। एक तरफ जानवर को जब्त किया जाता है और क्रिमिनल केसेस बुक किया जा रहे हैं और जो जानवर की गाड़ी लाने की है उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। मुसलसिल 8 दिन से जो है मैं इस मसले पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ कि पुलिस का जुल्म हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हर पुलिस स्टेशन में एक नया कानून लगाया जा रहा है। कहीं ये बात कही जा रही है कि रात के लॉकडाउन में नाइट कर्फ्यू में आप जानवर नहीं ला सकते हैं, फिर कहीं ये बात कही जा रही है कि 3 साल से कम उम्र वाले जानवर आप नहीं ला सकते हैं, कहीं ये कहा जा रहा है कि 3 साल से बढ़ के जानवर आप कुर्बानी के लिए ले जा सकते हैं, कहीं ये बात कही जा रही है कि प्रोटेक्शन टू एनिमल यानी ज़्यादा जानवरों को एक गाड़ी पर ले जा रहे हैं ये बात कही जा रही है। तो कल जो है बड़े हैरत की बात है कि हमारे महमूद अली होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मीटिंग करके एक बयान दिया, क्योंकि मुसलसिल बात अखबारात में आ रही थी और हुकूमत की तरफ से अकलियतों को जुल्म किया जा रहा है, कुरैशी ब्रदरी जो जानवर ला रहे हैं उनको जुल्म और कुछ बच्चे आपस में पैसे डालकर जो जानवर लाके करते हैं। तो मुझे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर का बयान सुनकर बड़ी हैरत हुई। आप जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, पिछले 6 साल 5 साल में कभी इस मसले पर सही नुमाइंदगी नहीं की है, अब आप होम मिनिस्टर हैं, आपके खुद मातहत ये जुल्म हो रहा है डिपार्टमेंट में, जानवरों को जब्त किया जा रहा है, गौ कमेले को भेजा जा रहा है और आपके जन गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, कोर्ट में क्रिमिनल केसेस बुक किए जा रहे हैं। खाली लास्ट ईयर जो है 173 केसेस बुक किए, 500 से ज़ायद बैल गिरफ्तार किए। यकीनन गाय पर पाबंदी है, हम गाय नहीं काट रहे हैं, लेकिन कल होम मिनिस्टर का जो बयान है ये मुसलमानों को मुल्ज़िम करार देने का बयान था। एक मुसलमान होम मिनिस्टर का ऐसा बयान आना हमारे लिए शर्मनाक बात है। होम मिनिस्टर जो है बजाय पुलिस की निंदा करने के, होम मिनिस्टर बजाय पूरे डिस्ट्रिक्ट के सुप्रिटेंडेंट्स को और कमिश्नर्स को वार्निंग देने के, उन्होंने मुसलमानों से अपील की, ये कह रहे हैं कि गाय को मत काटा जाओ, गाय मत काटो आप। एक बयान में 17 मरतबा उन्होंने ये बात बोल रहे हैं कि भाई गाय मत काटो। तो होम मिनिस्टर ऐसा पेश कर रहे थे कि मुसलमान गाय काट रहे हैं और इनकी ये बात पे हम जो है नहीं काटेंगे। होम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए, होम मिनिस्टर को अकल आनी चाहिए कि मुसलमान कोई गाय काट रहा नहीं, लेकिन होम मिनिस्टर के बयान से ऐसा हो गया कि मुसलमान जो है एक कटघरे में खड़े रह गए, हम मुल्जिम बन गए उनके बयान से। होम मिनिस्टर को चाहिए कि अपने बयान को वापिस ले, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तमाम सुप्रिटेंडेंट तमाम कमिश्नर्स को ये हिदायत दे कि जो भी बैल ला रहा है उसको कोई भी कानून के मुताबिक मत रोकिए, कोई कानून ही नहीं है रोकने का, क्यों रोक रहे हैं आप ये समझ में नहीं आ रहा है। आपका बयान कल दिन में आया, आप कल दिन में मीटिंग लिए, शाम में जो है गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करे, कल शाम में राजेंद्र नगर में बाजाफ्ता राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में गौरक्षा समिति वाले आके एक जो बैल जा रही है गाड़ी उसको रोक के हंगामा करे, और आपके एलबी नगर में गिरफ्तार कर रही, आपके दुंदीगल पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर रही, पूरे तेलंगाना के पूरे पुलिस स्टेशन में जुल्म हो रहा, और आप क्या बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं कि गाय मत काटो बोल के, ये कैसा बयान दे रहे हैं आप समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आपके बयान से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम गाय काट रहे हैं और आपकी नसीहत हो रही है, आप बजाय पुलिस को आप मशवरा देना था कि मुसलमानों को मत तंग करो, ताजिरों को मत तंग करो, कुरैशी वालों को मत तंग करो बोल के। और वक्फ चेयरमैन जो जमेतुल कुरैश के सदर भी हैं मोहम्मद सलीम साहब, कल दिन में बोले कि मैं बात कर लिया हूँ, बोले कल आप दिन में बात करें जनाब, रात में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, रात में पुलिस गिरफ्तार कर रही, आपकी नुमाइंदगी दमदार नहीं है, आप जमेतुल कुरैश के सदर है, आप हुकूमत के एक नुमाइंदे है, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, आप जाके चीफ मिनिस्टर से मिलो, आप जाके क्यों नहीं मिलते आप चीफ मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं देते, मुसलमानों की कोई इज्जत ही नहीं है सीएम कने।
तो ये जो चीफ में होम मिनिस्टर का बयान था, ये गुमराह कुन बयान है। ये बयान ऐसा महसूस हो रहा कि मुसलमान गाय काट रहे हैं, पुलिस उनको रोक रही है और होम मिनिस्टर मशवरा दे रहे हैं। कैसा बयान दिया? बयान अल्फाज वापिस लीजिए आप। होम मिनिस्टर से मेरा मुतालिबा है, मजलिस बचाओ तहरीक आपसे मुतालिबा करती है, आप बयान वापिस लीजिए। आप बजाय ये बयान देने के डीजीपी को आप सख्त निंदा करिए, पूरे कमिश्नर्स को, पूरे एसपीस को बुला के आप मीटिंग लीजिए और एक रूल्स डूस एंड डोंट्स कि हम क्या करना चाहिए, कितने उम्र का जानवर लाना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट किससे लेना चाहिए और एक गाड़ी में कितने जानवर लाना, ये बात करिए आप। आपको हिम्मत नहीं है ये बात करने की? आपको, आप जो ऐमाइश बयान दे देते आप उठा के, आपको